माँ, तुम्हारा राजू लौट आया है, मगर तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगता। रात रात पड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती, न कोई खिलाने वाला, न कहानी सुनाकर सुलाने वाला। मामा जी से कहना मुझे माफ कर दे। आखिर खून तो हमारे खानदान का है ना, मैं कहता था एक दिन ठोकर खाकर संभलेगा जरूर। चलो बहन, सामान बांधो, शहर जाएंगे। तुम लोग बैठो। मैंने सोचा तुम नलिनी के घर से ही नहीं शहर से ही भाग गए। कैसे आना हुआ दोस्त? दोस्ती नहीं, आज मुझे ड्यूटी यहां लाई। आइए तशरीफ लाइए। तुमने ठीक नहीं किया राजू, किसी और के साथ करते, लेकिन रोजी के साथ तुम्हें ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। जब उसकी लाखों की कमाई उसकी अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथों में थी तो 30,000 के जेवर क्या चीज थी जिसके लालच में तुमने ये जाली दस्तखत किए? तुमसे किसने कहा? मुझसे किसने कहा? सारा शहर जानता है। ये रहा वारंट, तुम्हें गिरफ्तार करने का मनहूस काम मुझे सौंपा गया। क्या सबूत हैं कि ये दस्तखत मेरे हैं रोजी नलिनी के नहीं? इसके बाद भी समझते हो नलिनी तुम्हारे लिए झूठ बोलेगी? जब उसे पता चला तो बेचारी रो पड़ी, कहने लगे कि राजू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ चला होगा? फिलहाल तो हवालात, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता। आज ही? इसी वक्त। एक बार रोजी से मिलने का मौका नहीं दोगे? क्यों नहीं, आखिर ये दोस्ती किस दिन काम आएगी। लेकिन राजू, मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेगी। फिर भी मैं तुझे देख सकूंगा। तुम्हारी मर्जी। नल्ली जी, वक्त हो गया, आती हूं। कर्टन खुल चुका है।
क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज क्या भला है दिल ने क्या ना सहा बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं यकीन होगा किसे के हम तुम एक राह संग चले हैं होना है से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में राजू कहाँ हो भाई चलो अब तो नाच भी खत्म रोजी से बात हो गई हो गई राजू तुमने ऐसा क्यों किया राजू पैसे की जरूरत थी तो मुझे कह देते मैं अपने जेवर बेच देती अपना घर बेच देती पर तुमने ऐसा क्यों किया समझता था कोई समझे ना समझे रोजी जरूर समझ आएगी समझ भी देखो कितनी नाज समझ निकली सच तो ये है राजू न मैं तुम्हें समझी न तुम मुझे समझे मुजरिम राजू दफा 417 ताजीराते हिंद के तहत जाली दस्तखत करने के जुर्म में तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है राजू साथ छूट गया तब समझ में आके तुम मेरे लिए क्या थे क्या हो बार बार कोसती हूँ अपने आप को कि तुम्हें बचाने के लिए एक झूठ भी ना बोल सकी दोष मेरा था रोजी मुनासिब तो यही था कि तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाता अगर जाने क्या धुन थी कि अपना बनाने से पहले तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं शोहरत तुम्हें मिली सर मेरा घूम गया होश आया तो देखा जेल में 2 साल यूं ही बीत जाएंगे राजू फिर नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे हाँ मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा
जीवन। उसके बाद जो हुआ इन 2 सालों में मैं ही जानती हूं। बस इसी उम्मीद का सहारा था कि शायद एक दिन राजू मुझे माफ कर सके। आज वो सहारा भी नहीं रहा। कसूर किसका है मैं नहीं जानती, जानना चाहती हूं, मगर इतना जरूर है कि मैं अपना बेटा खो बैठी। जाने वो कहां होगा, किस हालत में होगा।